विश्वविद्यालय किसी के बाप का जागीर नहीं है, यहाँ पर जागीरदारी नहीं चलेगी, यहाँ पर आपका राजतंत्र तानाशाही नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय में लोकतंत्र लागू है, विश्वविद्यालय संविधान से चलता है, इसीलिए आपको अपने इस फैसले को तो वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आपसे ईंट से ईंट बजाएंगे। और आपके इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए हम उन सभी छात्र छात्राओं से मांग करते हैं कि जो लोग समता स्वतंत्रता न्याय एवं बंधुता में विश्वास करते हैं, आप लोग भी इस फैसले का विरोध करिए, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसा जगह है जहां पर हमको लड़ना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया। नमस्कार साथियों, मैं आकाश पासवान, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अम्बेडकर राइट स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट का विश्वविद्यालय प्रभारी। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुच्छेद 19 में हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। साथियों, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय के खिलाफ कुछ लिखेगा और बोलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं कुलपति से बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय एक लोकतांत्रिक संस्था है। लोकतांत्रिक संस्था का मतलब होता है कि वहाँ पर पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं को सर्वाधिक स्वतंत्रता मिलती है बोलने का, लिखने का, पढ़ने का। आप वहाँ हमारी अभिव्यक्ति को नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वविद्यालय में लड़ना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया जाता है। और तो और, विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां पर हम उन मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और लोग कतराते हैं। तो विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उन्होंने ये जो फैसला लिया है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय किसी के बाप का जागीर नहीं है, यहाँ पर जागीरदारी नहीं चलेगी, यहाँ पर आपका राजतंत्र तानाशाही नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय में लोकतंत्र लागू है, विश्वविद्यालय संविधान से चलता है, इसीलिए आपको अपने इस फैसले को तो वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आपसे ईंट से ईंट बजाएंगे। और आपके इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए हम उन सभी छात्र छात्राओं से मांग करते हैं कि जो लोग समता स्वतंत्रता न्याय एवं बंधुता में विश्वास करते हैं, आप लोग भी इस फैसले का विरोध करिए, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसा जगह है जहां पर हमको लड़ना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया जाता है। और विश्वविद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो लोग लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। मेरा मानना यह है कि जो लोग विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं उनको सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कुछ बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ाने के लिए, क्योंकि वही लोग लोकतंत्र की बुनियाद को रखते हैं। लेकिन इस कुलपति ने, इस तानाशाही कुलपति ने अपने इस कुकृत से शिक्षक, कर्मचारी और सभी छात्र छात्राओं की अभिव्यक्ति को छीनने का काम किया है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसे फैसले का पुरजोर विरोध करिए। हम अपने पूरी संगठन की ओर से इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग इसके खिलाफ पुरजोर विरोध करिए, क्योंकि विश्वविद्यालय में हमको जगाया जाता है, पढ़ाया सिखाया और लड़ना सिखाया जाता है। अगर ऐसी जगह से हमारी आवाज को दबा दिया गया तो आने वाली पीढ़ी निश्चित ही गूंगी होगी। इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।